क्लास में क्या सुना? बढ़िया, तो सुबह की बात थी। पहला संकल्प को फॉलो करना है, और कैसे? पहला संकल्प चोरी करने का, पिटाई करने का, लड़ाई करने का, बदला लेने का, अच्छा बनने का, अच्छा करने का। सबसे सुंदर कल की अनुभूति होगी कि किस तरीके से हम अपनी देवता स्वरूप को बनाना है, लेकिन उससे पहले फरिश्ता स्वरूप बनाना सीख जाए। मैं जो संकल्प करती हूँ मेरे सामने चित्र बनता है। बोलो, मैं आत्मा जो संकल्प करती हूँ मेरे सामने चित्र बनता है। सच में? सच ही ऐसे बोले। बोलो, गुलाब का फूल, हाथी, बोलो ना हाथी, भालू, चित्र बना? किसी ने कहा मुझे, भाई साहब कहा मेरा तो कोई भालू वाला चित्र नहीं बना है। जब तक सामने से वो सांप खड़ा नहीं करो ना, चित्र नहीं बनता है। ऐसा मैंने कहा, सूक्ष्म चित्र। एक तो स्थूल शरीर होता है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसकी जो पैरों की अंगूठा से लेकर सिर के मस्तक तक जितने साल वो रही, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल या 200 साल, जितने साल उस शरीर के अंदर रहती है आत्मा, और जब वो जिस स्थिति में शरीर छोड़ती है, समझ लो 10 साल का बच्चा शरीर छोड़ा तो क्या उसका सूक्ष्म शरीर लंबा सा होगा? छोटा सा। और 50 साल का व्यक्ति 6 फीट का शरीर छोड़ा तो उसके सूक्ष्म शरीर कितना हाइट होगा? क्योंकि जो अंतिम स्थिति होगी, अंतिम स्वरूप होगा, उसी स्मृति से, समर्थ से आत्मा संकल्प स्वरूप चित्र बना देता है। अंतर मन पूछ रहा है क्या चाहिए? नहीं, मेरा तो शरीर ऐसे ही था, मेरे शरीर छोड़ा तो लोग ऐसा ही शरीर बन जाएगा तुरंत। तो हर जन्म में जब आपने शरीर छोड़ा, जो अंतिम शरीर अंतिम स्थिति थी वही सूक्ष्म शरीर बना। आया ना? इसका उदाहरण प्रैक्टिकल में आप देखिए, महाभारत में जब लड़ाई हुआ, क्या हुआ? लड़ाई। हम सब बाबा के बगीचे की क्या है? बाबा के बगीचे के क्या है? पत्ते हैं, फूल है, उसको क्या कहूँ? बोलो, फूल है। बोलो, फूल है। ऐसे तो नहीं मुरझावा, तो नहीं अभी तो मुस्कुरा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसे होता है, खिलता हुआ फूल। खिलाओ, अभी मुरझाएगा तो नहीं? या 5 मिनट के बाद कोई घटना सुनाओ ना, तुरंत एक्सप्रेशन देना, क्योंकि हम स्पेशल एक्टर हैं। तो हम जो संकल्प करते हैं वो चित्र से साकार बन जाता है। महाभारत में आपने देखा, महाभारत में आपने देखा जब लड़ाई करते हैं दो वीर, दिन भर लड़ाई चलती है, उनके पास कोई अस्त्र नहीं होता, तलवार लेने वाले वो अलग है, जो महावीर होते हैं जो रथ पर सवार करके युद्ध करते हैं, ये तीर निकाला, ये तीर निकाला, भाई कितना देर था उसने, क्योंकि उसकी संकल्प में सिद्धियां हैं। ये जो बाण रखने वाला जो आपकी उसमें कितना भी निकालो निकलते जाएगा, वो तो छोड़ो, उन्होंने संकल्प ऐसे किया, रामचंद्र जी आए, धनुष ऐसे पकड़े, क्या आ गया? तीर आ गया, धनुष पकड़े से तीर आ गया, लो ऐसे करके एक तीर छोड़ा, कितने तीर निकले? फिर तीर से क्या निकला? कोई आग निकला, कोई पानी निकाला, कोई सांप निकाला, कोई क्या क्या निकाल दिया। तो ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? संकल्प से। पहले संकल्प, फिर तुरंत वो चित्र साकार रूप बन जाता है। ऐसा किया, क्या आ गया? ब्रह्मास्त्र आ गया ना?
और हम सर्कल करते हैं, पत्ते भी कभी कभी हिलते नहीं है। उन्होंने संकल्प में एक बार अर्जुन जा रहे थे, कहां जा रहे थे भाई, ऐसे जा रहे तो सामने देखा गंगा नदी बह रहा है। अर्जुन ने कहा हे गंगे माते तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो जा रहे थे रास्ते में गंगा नदी बह रहा था। सिद्धियां थी, बड़ा अभिमान था, स्वाभिमान, अहंकार भी कह सकते उसको। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति ना ज्ञान में चलते हुए बड़े अहंकार रखते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, आपको क्या पता है, मैं 50 साल से चला हूं, तुम्हें 1 महीने से 2 महीने। तो अर्जुन को भी एक बार ऐसे हो गया, तो गंगे माते को कहा तुम अगर मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं एक तीर मारूंगा सुखा घुमा दूंगा। रास्ता बदल लो तुम, मैं अपने रास्ता नहीं बदल सकता, मेरा रथ इधर से गुजरेगा। तो 3-4 बार बोला और जब उसने संकल्प करने लगा तीर, तो गंगे माते आ गए, बोला बेटा क्या कर रहे हो। बोला हुआ क्या माता, मैं बोल रहा हूं ना मेरा रास्ता छोड़ दो, जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, क्या है क्या है ताकत है, तो आप संकल्प की तीर से यहां पर ब्रिज बना लो ना, आप क्यों मुझे सुखाना चाहते हो। हमें वो सिद्धियां नहीं प्राप्त करनी है कि पानी में चलना है, हवा में उड़ना है। एक व्यक्ति तपस्या करके आया, गांव वाले सब उभर के 40 साल के बाद आया, बोलता है आपने क्या प्राप्त किया, इतने 40 साल तपस्या की। बोला मैं पानी में चल सकता हूं। बोला चल के दिखाओ, चल के दिखाया। दूसरे ने कहा क्या बात करो, मैं तो 2 रुपया देता हूं, नाव में पार हो जाता हूं, आपने 40 साल बर्बाद कर दी। हमें आग में चलना, पानी में चलना, हवा में उड़ना, ये सिद्धियां नहीं चाहिए। हमें वो सिद्धियां चाहिए कि हमारे संकल्प से अनेक आत्माओं को शांति मिल जाए, प्रकृति परिवर्तन हो जाए, दुनिया स्वर्ग बन जाए। आया ना, उसके लिए ये चित्र बनाना है जो बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप का नेहरो। हम संकल्प से जब भी शरीर छोड़ा, 84 जन्म में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। आप समझ लो किसी घर में रहते हो, कहां रहते हो, बोलो बोलो, 20 साल से रहते हो, कितने साल से, 40 साल से रहते हो, कितने साल से, अब 40 साल के बाद से उस घर से निकाल दिया जाएगा, तो खाते समय क्या याद आएगा, आपके घर और नहीं है, डाइनिंग हॉल याद आएगी नहीं, हाँ जी तो बोलो नहीं, सोचो नहीं, हाँ जी बोलो, डाइनिंग हॉल याद आएगी, सोते समय क्या याद आएगी, बेडरूम। तो आपके घर में कोना कोना जो चीज की आवश्यकता है, आप रास्ते में जब भटक रहे हो, जंगल में भटक रहे हो, कहीं भी और भटक रहे हो, आपको जो चीज 40 साल की जो आदत पड़ी है वो चीज याद आई, तो वो जो याद है एक चित्र बनता है। अच्छा फटाफट चाहिए ऐसा, कब हम सुधरे, कंट्रोल करो माने थोड़ा सा कंट्रोल करो, ताकि ये 5 तत्वों को कंट्रोल करोगे तो मुट्ठी 5 तत्वों में आपकी मुट्ठी में होगी प्रकृति। तो ये जो हम सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, उसको सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सहज तरीका है कि फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है, और फरिश्ता अपने संकल्प से चित्र बनाना है, और बनाना है तो पुराना नहीं बनाना है, बनाना है तो मुस्कुरा, क्या बनाना है,